compel you to work with Fauzia Ashiq? She's a new director. So what allowed you, compelled you to do that? देखिए ऐसा है, मैं आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, डोंट मिसकोट मी, आई विल मेक इट क्लियर. मैं नारी प्रेमी हूं. अब आप गलत समझेंगे, नारी मां, नारी बहन, नारी बेटी, नारी प्रेमिका, नारी पत्नी, पत्नी हां चलो खैर पत्नी भी सही है. तो अगर आप गौर से सोचें, जब मैं कॉलेज में था तो महिलाएं, आप ही सोचिए किस प्रोफेशन में होती थी. नर्स होती थी, क्लर्क होती थी, स्टेनो होती थी, एक आध कोई इक्का दुक्का डॉक्टर बनी. लेकिन आज कहां है महिला? हवाई जहाज उड़ाती हूं, स्पेस में जाती हूं, पुलिस में है, आर्मी में है, बड़ी बड़ी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है. कौन सा ऐसा प्रोफेशन बचा है जिसमें महिला नहीं है? जितनी तरक्की महिलाओं ने पिछले 40 साल में की है, हम मर्दों ने उस हिसाब से हमने की है तरक्की, लेकिन इनके मुकाबले में उतनी तरक्की नहीं की. दो चार चीजों में ही हमसे बहुत पीछे. मसलन ये डाकू नहीं, ये जेब नहीं काटती, आती नहीं ये तो ये इस तरह की चीजों पे इनको ध्यान देना चाहिए. अगर हमें इन्हें हमारे बराबर आना है तो तवज्जो देनी चाहिए इस तरह. तो मैं उसे इस तरफ भी थोड़ा ध्यान. Sir, in Rokia Dhamakade, you are being seen in a new character, in a new getup. Are you happy with it? What do you have to say about it? I am more than happy. Much more than happy. इन्होंने जिस जगह हमें ठहराया वो इतनी खूबसूरत जगह थी. चारों तरफ आपकी हरियाली, कसौली में इन्होंने शूटिंग की और ऐसा भी नहीं कि सुबह 6 बजे हमको मार मार के उठाया जा रहा है. आराम से 8 बजे हम निकलते थे और ऐसा नहीं कि टेलीविजन सीरियल्स की तरह रात को लगे हुए 3 बजे तक शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. ये हमने वहां मस्ती भी की, एंजॉय भी किया, हमको खाना भी अच्छा मिलता था. ये नहीं कि पतली दाल मिल रही है और एक सब्जी मिल रही है, नहीं जी, मटन चिकन भी मिलता था और अच्छा खाना मिलता था. और सिर्फ एक मुसीबत थी, इन्होंने जहां शूटिंग रखी लोकेशन, एक तो वो पहाड़ी के ऊपर कंडा घाट जगह का नाम था, कसौली के नजदीक थी हिमाचल में, उसमें कुछ 105 सीढ़ियां थी और हम उसको 3 किश्तों में चढ़ते थे. पहले 30 सीढ़ियां फिर रुक गए, रास्ते में चाय पानी मिलता था, फिर 40 और चढ़ गए. तो ऐसे करके मेरे जैसे तो ये तो एक साथ 105 सीढ़ियां, उसके बाद पूड़ियां दबाते थे, पराठे दबाते थे, यानी तो माशाल्लाह. अरे भैया मेरे दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं, गरीब आदमी हूं, अमिताभ बच्चन की आवाज सुनते हो, शाहरुख खान की बात सुनते हो, हमारी सुन लिया करो कभी कभी. थैंक यू सो मच सर. नो सर, थैंक यू सो मच. Rizab sir, what do you call or what do you say about the nature of the film?
फनी फिल्म फनी फिल्म एक तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया क्योंकि क्या है कि थोड़ी फिल्में फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैं, और वैसे तो मेरे पास 10-12 सूट हैं, टाई भी है, बो भी है, लेकिन सब धुलने के लिए गए हुए, इसलिए खद्दर की शर्ट पहन के आया हूँ आपके लिए। देखिए जरा साहबान, ये माइक ऑन है। जिस मंच पर, जिस डेस्क पर ओमपुरी साहब बैठे हैं, जिनकी आवाज, जिनका बोलना पूरा हिंदुस्तान ही नहीं एशिया वाकिफ है, ये कई चीजें इनकी आवाज से उनका इफ्तिताह हुआ है, और कादर खान साहब है जिनकी आवाज दहाड़ है, और कुव्वत नुत्ख मतलब बोलने की ताकत जो, और लिखने की ताकत, अदाकारी की सलाहियत है, और जितना यहाँ पर ओमपुरी साहब ने बोला है मेरे लिए बोलने के लिए, मतलब मैं उस मकाम पे आ गया जहां मेरा एक दोस्त था पप्पू, वो उसके घर वाले ने जिद की कि तुम अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तुमको उर्दू हमने घर में सिखा दी, हिंदुस्तानी सिखा दी, तो लेट उम्र में स्कूल में गया अंग्रेजी पढ़ना, इम्तिहान का टाइम था, तो एक कॉम्पोजिशन था, एक निबंध था, एक मजमून था दोस्त पे, तो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा लद्दाख मेरे को इंग्लिश पे दोस्त पे एक कॉम्पोजिशन लिखना, मेरे को पढ़वा दे, रट्टा मरवा दे तो मैं कर लूंगा। मैंने उसको सिखा दिया दोस्त के बारे में कि इंग्लिश अंग्रेजी में हिस्सा सुनवा जाके पढ़ लिख दे तो पास हो जाएगा। अब जिस दिन एग्जाम था उसकी बदकिस्मती फ्रेंड की बजाय फादर्स डे था, तो वो मजबूर लिखना पड़ा उसको फादर पे, लेकिन हमारा दोस्त पप्पू डरा नहीं, मेरा दोस्त था डरेगा कैसे, तो उसने सिर्फ मजमून का खाका बदल दिया, बजाय दोस्त के बाप का लिखने लगा, लेकिन जो उसको याद था, और जब वो एग्जामिनर ने उसका पेपर पढ़ा तो वो आज तक कोमा में है, तो वो क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं, लिखा टू हूम सो एवर इट मे कंसर्न आई एम पप्पू, आई एम अ वेरी फादरली पर्सन, I love all my fathers. And mind you, all my fathers are not male. Half of them are female. My mother knows all my fathers. I can come home when I'm not there. My mother feeds them well, entertains them well. My mother knows all of them by their names. My uncle is also my father. My best friend, my best father is my neighbor. And I love all my fathers because father zaruri hota hai na. To mere liye ab wahi pappu wala hisab hai ki main kya bolu, ompuri sahab ne itna bata diya, itne sawalon ke jawab de diye. Aur fauzia arshi sahiba ne jo film banayi bahut achhi banayi, maine जितना ट्रेलर आप लोगों ने देखा उतना मैंने भी देखा है, तो जब पूरी फिल्म देख लिया था तो मैं खड़ा होकर टेबल पर कुर्सी पर बातें करता, और ऐसा मौका भी आएगा इंशाल्लाह, और आई विश एवरी मेंबर ऑफ दिस फिल्म, न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि प्रोड्यूसर और ऑल द एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, मुझसे बेहतर एक्टर्स, मुझसे बेहतरीन अदाकार जिनको हम संगील मानते हैं, जिनकी जिनसे रोशनी लेकर के हम जहां भी एकाध कदम भी चलने का, कादर खान साहब हैं, ओमपुरी साहब हैं, तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि फिल्म में भी काम करना तो गुजा उनके साथ में बैठा हूं, ये मेरी खुशकिस्मती है,
मेरा शर्फ है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सर वन मोर क्वेश्चन. सर विल यू टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर इन द मूवी तीली भाई. बहुत कैरेक्टर ले साथ ही रहता हूँ लेकिन है बहुत अच्छा फनी. आप लोगों को लगेगा कि इस कैरेक्टर का कैरेक्टर नहीं लेकिन वो बड़ा हेल्पिंग होता है और मैंने बहुत एंजॉय किया कि करना. और जब फिल्म खत्म हो गई तो मैं उनसे पूछा मेरा वाकई फिल्म खत्म हो गई और कुछ काम नहीं बचा. एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड बट आई विश एवरीथिंग गोज वेल एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.